If you haven't subscribed my channel, please subscribe and follow me on Facebook and Instagram also. Hello friends, welcome back to my channel Bonsai Hunter. In the workshop today, we are going to talk about how to make plumeria bonsai. दोस्तों आज हम ऑन व्यूअर्स डिमांड ये बताने वाले हैं कि प्लूमेरिया चंपा फ्रेंगिपानी की बॉन्ज़ाई गुलाचिन की बॉन्ज़ाई कैसे बनाई जाए। तो दोस्तों फ्रेंगिपानी चंपा की बॉन्ज़ाई का जो सफ़र आपका शुरू होगा वो चॉपिंग से शुरू होगा। आपको अपने प्लांट को एक सर्टन हाइट डिसाइड करके 12 इंच या 18 इंच की उसे चॉप करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने इसे चॉप कर दिया है। यहाँ से ये जो टुकड़ा है इसे अभी अभी हमने चॉप किया है। तो ये था पहला स्टेज। सबसे पहले आप चॉप करेंगे। दोस्तों हमने पहली बार इसे यहाँ से चॉप किया था, तीन ब्रांचेस मिली हैं। दोबारा चॉप किया है 4 से 6 इंच के ऊपर, तो यहाँ पे फिर से 3 ब्रांच मिली है, 1, 2 और 3 यहाँ पे स्प्राउटिंग हो रही है और इस ब्रांच में भी स्प्राउटिंग हो रही है। मल्टीपल ब्रांचेस हमें मिल रही है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल ब्रांचेस डेवलप कर सकते हैं एक बॉन्साई बनाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे जो ये प्लांट है इसके जो लीव्स हैं वे येलो कलर की हो रही है। तो ये अब खिरने वाली हैं, येलो होके ये खिर जाएगी और फिर इसके ऊपर नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। तो ये सही समय है कि आप अपने प्लांट को चॉप करें, आप अपने प्लांट को ट्रिम करें। दोस्तों हमारे व्यूअर ने पूछा है कि आपने ब्रांचेस को बैंड कैसे किया है। इसकी जो ब्रांचेस होती है बड़ी ब्रिटल होती है, तो हमने सबसे पहले तो इन्हें 4 से 6 इंच तक ग्रो होने दिया है। आप चाहें तो और ज़्यादा ग्रो होने दें। उसके बाद आप इसे किसी वायर की सहायता से नीचे गमले में बांधेंगे, वो मैं आपको बांध के बताऊंगा। इसे हम धीरे धीरे करके बैंड करेंगे। अगर हम इसे ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो ये टूट जाएगी। हम थोड़ा थोड़ा करके इसे इस तरीके से चारों तरफ बैंड करेंगे, कुछ इस तरीके से। हम इन ब्रांचेस को धीरे धीरे करके नीचे की तरफ बैंड करेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लगभग 1 सप्ताह बाद हम फिर थोड़ा सा इन्हें बैंड करेंगे, फिर 1 सप्ताह बाद हम इन्हें थोड़ा सा बैंड करेंगे और कुछ इस तरीके से एक थोड़ा पैरेलल लाने की कोशिश करेंगे, एक अम्ब्रेला शेप देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स ये है वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम चंपा के प्लांट को बॉन्साई में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा रास्ता इसका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1, 2 और 3 यहाँ पे 3 ब्रांचेज आ रही है। पहले हम इन्हें थोड़ा डेवलप होने देंगे, उसके बाद जो नीचे की ब्रांच है इसे रहने देंगे और ऊपर की दोनों ब्रांचेस को काट देंगे। यहाँ से हम काटते हैं तो ये ब्रांच ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ ग्रो होगी, कुछ इस तरीके से। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने ऊपर की ब्रांच को काटा है और साइड वाली ब्रांच को ग्रो होने दिया है, तो ये अपने आप नीचे की तरफ डेवलप हुई है। तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम ब्रांचेस को डिज़ायर्ड प्लेस के ऊपर ले जा सकते हैं। यहाँ पर भी हमने ऊपर जाने वाली ब्रांच को काटा है और साइड वाली ब्रांच को रहने दिया है। आइए इसकी केयर के बारे में भी आपसे थोड़ी चर्चा कर लें। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये फुल सनलाइट पसंद करता है, इसे आप 8 घंटे की धूप मिले ऐसी जगह पर रखें। दूसरा ये वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद करता है, वाटर लॉगिंग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आपकी जो सॉइल है उसके अंदर सैंड की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रिट की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, सॉइल वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, पॉट के अंदर एक्स्ट्रा होल होने चाहिए, तो ये अच्छे से सर्वाइव करेगा और प्लांट हेल्दी रहेगा। दोस्तों वाटरिंग इसे तब करनी है जब इसकी सॉइल सूख जाए, टॉप लेयर सूखने लगे और आप हाथ लगा के देखें अगर सॉइल सूखी है तभी आप वाटरिंग करें, क्योंकि रूट रोट होने का खतरा इसके अंदर बना रहता है। फर्टिलाइज़र आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसके अंदर 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। हाई फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र इसके फ्लावरिंग के लिए बेहतर रहता है। अगर आप फ्लावरिंग चाहते हैं
तो हाई फास्फोरस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो प्लांट है इसकी लीव्स काफ़ी चौड़ी होती है, डेसीडियस प्लांट है, ये लीव्स खिर जाती है और नई लीव्स आती है, दोबारा पीछे से नई लीव्स नहीं मिलेगी आपको, न ही इसमें बैक बडिंग होती है। अगर आप चॉप करेंगे तो यहीं पे आपको नई बड्स मिलेगी, बैक बडिंग भी इसके अंदर नहीं होती है, और जो लीव्स हैं वे इसके टिप्स के ऊपर ही आपको नज़र आएगी, पीछे इस तरीके से ये खुला रहेगा। दोस्तों अगर इस प्लांट को ज़मीन में लगा दिया जाए तो ये 15 से 20 25 फीट तक आसानी से ग्रो हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल बी बैक विद सम मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन बॉन्साई एंड गार्डनिंग। टिल देन गुड बाय।